गुड मॉर्निंग, और बिल्कुल पूरा फोकस और ध्यान के साथ। छोटा टॉपिक है बिल्कुल, एक पंप। सबसे पहले कौन सा पंप हुआ है हमारा? फोर्स पंप। उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो बन गया लिफ्ट पंप, उसको मॉडिफाई किया तो बन गया बकेट एंड प्लंजर पंप। अब वो तीनों पंप पुराने हो चुके हैं, नहीं चलते, सिर्फ गांव में हैंडपंप में ही यूज होता है वो वाला पंप। प्रोफेशनली जो है कमर्शियल लेवल पे वो यूज नहीं होते हैं। अब चौथे पंप की बात करते हैं। चौथा पंप जो है आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है यस रोटरी पंप। देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में समझाने से पहले उसका जो नाम लिखा जाता है, अगर उसका मतलब हम समझ लें तो आधा ना सही लेकिन कुछ परसेंट तक हमें वो समझ आ जाता है कि क्या चीज़ है। इसको रोटरी पंप क्यों बोलते हैं? इसमें रोटर होता है, और रोटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोटेट होने वाला। रोटेट होना मतलब घूमना। ये पंखा क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो एक ऐसा पंप जो उठाना, छोड़ना, फोर्स लगाना, लिफ्ट करना, वो सबको छोड़ के घूमने पे ध्यान दे। एक ऐसा पंप जो फ्लूड को, लिक्विड को, यानी कि पानी को घुमा के खींचे और फेंके, उसको रोटरी पंप बोलते हैं। अब रोटरी पंप जो है, आपको मैं सिखाऊं, हमारे बड़े बहुत पुराने जो फायर में काम करते हैं, जो फायर के पंप्स, फायर के अब हमारे पंप हाउस और हमारी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं, फायर टेंडर्स, उनके बारे में बहुत बढ़िया जिनको नॉलेज होता है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनके जितना नहीं जानते, हम अभी बहुत छोटे हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन कम शब्दों में, आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे कि रोटरी पंप क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट शुरू से लास्ट तक का, अगर बीच में कुछ भी तुम भूल गए तो फिर छोड़ दिया बीच में, ध्यान कहीं और चला गया तो गड़बड़। फ्लो से पूरा पढ़ो इसको। आज के टाइम में जो पंप चलता है ना, अभी जो फिलहाल हर जगह में, चाहे वो हमारे घर में यूज होने वाला है, चाहे वो कमर्शियल यूज होने वाला है, वो किसी फैक्ट्री प्लांट में यूज होता है, फायर ब्रिगेड में यूज होता है, कहीं भी यूज होता है, वो तो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन ये जो चार नंबर का पंप अभी हम बात कर रहे हैं ना जिसकी, ये पहले तीनों पंप का एडवांस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं नहीं मिलता, ये अभी भी मिल जाता है, कहीं ये अभी भी कहीं मिल सकता है। जैसे कि एक्सटिंगशर की अपन बात कर रहे थे कि वो कार्टिज वाले अभी कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्टिज वाले जो हैं वो सिलेंडर हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, अभी भी चलते हैं लेकिन थोड़े पुराने हो गए हैं, अभी स्टोर्ड प्रेशर आ गए हैं। वैसे जो है रोटरी पंप बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल आसान है, बढ़िया मॉडिफाइड है, तो वो वाला आ गया है। इसकी बात करते हैं अभी। इसमें क्या होता है, जैसे हम खेत में ट्यूबवेल, किस किस ने देखा है? ऐसा कोई जिसने खेत का ट्यूबवेल भी नहीं देखा कभी? अपने खेत के ट्यूबवेल नहीं देखे कभी? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैसे तो पंखा ही बोलते हैं हरियाणा में तो, है ना, लेकिन वो पंप है। उसका पुराना मॉडल है ये, ठीक है, जो अभी आज हम पंप यूज करते हैं ना, ये उसका पुराना मॉडल है। फिर लॉस करके पंप देखे, इंजन लगा होता है साथ में ही, वो पंखा भी होता है ना, किधर भी अपन जोड़ में, तालाब में भी सीधा वो डाल के पानी निकाल लेते हैं उससे, वो सेंट्रीफ्यूगल है, ये उसी का पुराना मॉडल है, उससे पहले वाला मॉडल है, इसको मॉडिफाइड करके वो सेंट्रीफ्यूगल बनाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे ही पंखे की तरह बिल्कुल केस होता है, केसिंग होती है, गोल्ड सिलेंडर, गोल्ड सिलेंडर समझते हैं ना, केसिंग, उसकी जो केसिंग होता है उसी को हम जो है सिलेंडर गोल बोलते हैं। ये ऐसे ही जो है केसिंग, इसको हम केस बोलते हैं।
भाई सापुट वगैरह बीच से निकलती है वो एक अलग बात है, लेकिन केसिंग तो यही है ना हमारी। अब उसमें क्या होता है, शाफ्ट तो यहाँ होती है, ये ऐसे इस पेन को सापट ही मान लो, यहाँ से सीधी बाहर निकली हुई है। तो अभी हम 3D बना के तो नहीं दिखा सकते, ऐसे ही बात करेंगे। ये जो है यहीं पे इसके अंदर जो है गरारियाँ होती हैं, इसी में गरारी चलती है ऐसे, ठीक है ना। इसको गरारी बोलते हैं या कुछ और भी नाम बोलते हैं, हाँ जो बोलते हैं हम अपनी भाषा में उसी में ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सीखने वाले होते हैं ना मेरे को वही तरीका लगाना है सिखाने के लिए। अब बाकी पूरे के अंदर एक और बड़ी गरारी होती है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा बनाया, इतना बड़ा भी नहीं होता है, ये बहुत छोटी, इससे भी ज़्यादा छोटी गरारी होती है। इसको हम चलो छोटी बना लेते हैं बिल्कुल, ऐसा होगा बाद में फिर कहीं समझना है। ये बिल्कुल जो है छोटी वाली गरारी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ये छोटी है। अब दूसरी एक जो है बड़ी गरारी होती है जो पूरे में फैली होती है ऐसे, गोल ही है दोनों, अपन गोल नहीं बना पा रहे हैं। ये गरारी किसको चलाती है, बड़ी वाली को। सापट सिर्फ इसमें लगी होती है, इसमें नहीं लगी होती है, तो ये इसको घुमाती है। अब इसका है यहाँ से एक इनलेट है, इधर से खींचती है पानी, इधर से इसका आउटलेट दिया गया है, यहाँ से फेंकती है पानी, ऐसा ही होता है ना। चाहे इसमें यहाँ से इनलेट दे दो कहीं से एक जगह से पानी, तो ये क्या है, घूमती है, ठीक है ना, ये घूमती है। इसमें ये ऐसी गरारी है ऐसी करके, तो ये वाले में तो है गरारी से टच होने वाले ऐसे वाले खांचे, और इसमें है ऐसे वाले खांचे जो पानी को फ्लो करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लगे हुए, इसमें ऐसे करके लगे हुए, तभी तो पानी को खींचेंगे ना वो, तभी तो ऐसे फ्लो करेगा पानी। तो इधर से पानी को ये जो लगे हुए ना ऊपर खांचे, वो ऐसे करके यहाँ से पानी को पूरी स्पीड से उठा के लाते हैं और इधर से बाहर निकाल के फिर खाली हो गए, क्योंकि इधर खाली हो गया ना सीधा हो गया, तो फिर वापस आएंगे तो फिर ऐसे उसको खींच के ले आएंगे, फिर इधर आगे खाली हो जाएंगे। रोटरी पंप में और सेंट्रीफ्यूगल में फ़र्क है, वो जब कल सेंट्रीफ्यूगल की क्लास आएगी तो समझ में आएगा। अभी इसमें ये वाला सिस्टम, इसी में फिर एक और थोड़ा सा बनाया गया था मॉडिफाई करके, वो केसिंग जो है बिल्कुल गोल की बजाय थोड़ी सी ऐसे होती थी, इधर से उसमें जो है इनलेट लगाते हैं, ये यहाँ से अंदर आएगा। इसमें जो है दो गरारियाँ, दोनों एक दूसरे से जॉइंट। बेटा सापट सिर्फ एक में, क्योंकि दोनों में सापट की ज़रूरत क्या है, ये तो उसको खुद ही चला देगी ना। इसमें दोनों सेम साइज़ की, ध्यान दो थोड़ा सा, उसमें पहले छोटी से बड़ी को चलाया जाता था, केस बड़ा हो जाता था। इसमें केस को उतना ही बड़ा या उससे छोटा बना के भी ज़्यादा इजी पानी का फ्लो कर सकते हैं। यहाँ से सीधा आउटलेट, ये हो गया आउटलेट, इसी में खांचे, दोनों में सेम खांचे, लेकिन सापट सर्विस में एक में लगा दें। अब यहाँ चाहे तो डीजल का इंजन बांध दो, चाहे बिजली की मोटर लगा दो, चाहे ट्रैक्टर लगा दो, है ये घूमनी चाहिए ऐसे ऐसे, ये घूमनी चाहिए अपने को, ये ऐसे घूमती रहेगी, ये गरारी घूमेगी, इसमें खांचे फंसे हुए, ये अपने आप घूमेगी, तो क्या है दोनों ऐसे करके घूमेंगी ये। अब जब दोनों ऐसे घूमेंगी तो पानी खींचेगी ना, सेम डायरेक्शन में घूम रही है ना दोनों, एक का उधर मुँह है एक का उधर है, देखिए नीचे से एक साथ आ रही हैं ऐसे करके देखो, और यहाँ से बाहर फेंक देते। ये रोटरी पंप का काम है। तो रोटरी पंप क्या है, कैसे काम करता है, या पहले करता था, अभी तो बहुत कम शायद चांस है कहीं मिले, लेकिन मिल सकता है, समझ में आया अभी आपको। पहले ऐसे बना, फिर एक ऐसे, इसके दो मॉडल थे, इसका तरीका भी समझ गया। इसमें भी एक में शाफ्ट थी, इसको घुमाएंगे तो वो अपने आप घूमेंगे,
इसमें भी इसी में सापट थी, ये छोटी थी और ये बड़ी थी, तो ये बड़ी को अपने आप घुमा देती थी। ये हमारा रोटरी पंप।